बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि जो अपॉइंटमेंट्स का है वो बड़ा इशू चल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और उसके साथ बांग्लादेश में भी यही सिचुएशन है। लेकिन सबसे जो आप कह सकते हैं लोएस्ट और ख़तरनाक किस्म की जो प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तान के अंदर ही चल रही है। तो आपको पता है पिछले काफ़ी अरसे से एहतजाज वगैरह मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की तरफ से हो रहा है। तो करंटली जो न्यूज़ हमें सुनने में आई है वो यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इटली है, उन्होंने अपनी स्पेसिफाइड टीमें जो हैं इन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भेजी हैं, जाके वो चेक करें कि एम्बेसी के अंदर क्या सिचुएशन है और किस वजह से एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट इशू नहीं कर रही। तो किसी भी टाइम जो भी टीमें हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक में जाएंगी। लेट्स सी कि इसका बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, या ये विजिट उनका फ्रूटफुल रहता है या नहीं रहता। तो ये इश्यूज काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, जिसके अंदर सादा लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाती है और वो डिमांड पूरी करने के बाद ही उनकी मिशन होती है। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट अगर खुदा न खासा कोई इश्यूज निकल आए तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, आपको वंस अगेन फिर से अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। तो ये इश्यूज ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ में चल रहे हैं। अब ये कब इसका बेनिफिट मिलता है, कब इसका पॉजिटिव रिस्पांस आता है, ये लेट्स सी कि क्या होता है। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ थी कि ये जो है अगस्त के बाद सितंबर का महीना आ जाएगा, तो जो स्टे एक लिया हुआ था इन्होंने, जारी वालों ने, वो सुनने में आ रहा है कि ख़त्म होने जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट का साल, 2 साल से बात चल रही है कि इसका शिफ्ट हो रहा है किसी और कंपनी की तरफ, तो वो भी चांसेस हैं कि वो शिफ्टिंग की तरफ भी चीज़ें आ जाएँ। और इसके बाद जो आज का दिन की सिचुएशन है, 31 जुलाई और 1 अगस्त की, 2 दिन की जो बात वो करनी थी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ वगैरह सारे के सारे क्लोज हैं। जो जहरी है इस्लामाबाद के अंदर, वो क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कंटिन्यू है, वो अपना वर्किंग कर रही है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज डील होते हैं, ना सिर्फ के इटली, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो डील होते हैं। और अगर आप जेरी की साइड पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने आज के दिन का जो है वो ओपन ही मेंशन किया हुआ है कि जो जेरी है वो आज के दिन ओपन है। जो क्लोजर नोटिस ना तो किसी एम्बेसी की साइड पर आया है, ना ही जेरी की साइड पर आया है। तो सिंपल सा, सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई को एक जर्मनी क्लोज्ड है और एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके क्लोज्ड है, बाकी सारे के सारी ओपन है और वर्क कर रहे हैं। और होपफुली कि कल भी जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होगी वो भी जाएंगे अपना जो है जाकर अपनी जो भी उनके फाइल की सबमिशंस वगैरह हैं वो जाकर करवा सकते हैं। होपफुली वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।